हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैक बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट्स को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द आने वाली है। अब छात्रों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, जुलाई के पहले हफ्ता में ही आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरी जानकारी को। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है आज के प्रभात खबर के न्यूज एजेंसी को खोल के रखा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि झारखंड बोर्ड यानी कि जैक बोर्ड रिजल्ट 2020, झारखंड 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आएगा जुलाई के पहले हफ्ते में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि jsc.jharkhand.gov.in या jsc.nic.in पर देख सकेंगे अपनी मार्कशीट। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे की अपडेट जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों का रिजल्ट जल्द आने वाला है। जुलाई के पहले सप्ताह में झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक बोर्ड का मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी कर देगा। जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अब दो या तीन दिन के बाद जो है झारखंड बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष जो है अरविंद कुमार सिंह ने ये साफ जानकारी दी है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, जैक के इस वर्ष यानी कि 2020 के रिजल्ट जो है ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही विद्यार्थी अपना रिजल्ट एसएमएस से भी मंगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो है जैक बोर्ड को एसएमएस के द्वारा भी अपना रिजल्ट मंगा सकते हैं। जैक का रिजल्ट आमतौर पर उसकी आधिकारिक वेबसाइट jsc.jharkhand.gov.in पर जारी होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वर्ष जो है हाल ही में जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नाम से एक फर्जी वेबसाइट का पता चला था, जो अभी बंद हो चुका है, जिसे जैक ने जो है ब्लॉक करवा दिया है। इसलिए छात्रों से अनुरोध किया गया है कि छात्र को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि फर्जी वेबसाइट आपकी सारी जानकारी लेने के बाद आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पिछले अपडेट में भी बताया था कि फर्जी वेबसाइट से आप दूर ही रहें, उससे आप सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों आपका जो सारा डेटा वो ले लेता है, उसके बाद आपका भविष्य खतरे में भी पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वेबसाइट पर अपनी जानकारी जो है सार्वजनिक करने से पहले बेहद सावधानी पूर्वक वेबसाइट की जांच कर लें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी कि आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों जैक ने कहा था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में 12वीं के बच्चों की कॉपी का जांच पूरा कर ली जाएगी, इसके बाद रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। यह भी कहा था कि मैट्रिक के विद्यार्थियों की कॉपी की जांच का काम जून के मध्य में ही पूरा हो जाएगा, और यह समय के मुताबिक हो भी गया था। आपको बता दें दोस्तों कि बोर्ड के जो मुताबिक है, 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इस बार जो है बोर्ड की परीक्षा दी है। और आपको बता दें दोस्तों कि फरवरी के महीने में जो है 11 से 28 तारीख के बीच 10वीं की परीक्षा हुई थी, और आमतौर पर मई में जो है 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस महामारी के कारण, कोरोना वायरस के कारण जो है इस बार जो है समय पर रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो पाया। हालांकि जैक पूरी तैयारी कर रहा है कि जल्द से जल्द 10वीं और 12वीं का बोर्ड का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाए। आपको बता दें दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट जारी होता है, विद्यार्थी जो है झारखंड बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने परीक्षा परिणाम देख पाएंगे। परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि दोस्तों, जो भी विद्यार्थी 10वीं या 12वीं में फेल हो जाते हैं या अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे जो है झारखंड बोर्ड की जो कंपार्टमेंटल की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आप कंपार्टमेंटल की परीक्षा के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि रिजल्ट के प्रकाशन के तत्काल बाद इन परीक्षाओं के लिए फॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों, आपको बता दें कि आपका रिजल्ट जिस दिन प्रकाशित होती है उसके 5 दिन बाद ही यह फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा आपके स्कूल में। तो आप स्कूल जाकर ही कंपार्टमेंटल की परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं या ऑनलाइन भी भर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आमतौर पर जो है परीक्षा संपन्न होने के 40 से 45 दिन बाद जो है झारखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित करता रहा है। लेकिन दोस्तों, जून
जून का महीना बीत गया, लेकिन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणामों की तिथि के बारे में भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है। जैक ने इस साल जो है कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दो पालियों में करवाई थी। पहली पाली में जो है मैट्रिक यानी कि कक्षा 10वीं की परीक्षा सुबह 9:45 से लेकर 1 बजे के बीच हुई थी, और दूसरी पाली में जो है इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं परीक्षा 12वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें जो है परीक्षाएं में जो है 1410 सेंटर में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो है संपन्न किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने बताया है कि करीब 6.2 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने इस साल जो है बोर्ड की परीक्षा दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द जारी होने वाली है, यानी कि दोस्तों जुलाई के पहले सप्ताह में जो है कंफर्म आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आपको जो है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, आपका इंतजार अब खत्म हुआ, आपका जो है अब टेंशन भी खत्म हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, और रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतर आने वाली है, हर साल की तुलना में जो है इस साल जो है काफी बेहतर आने वाली है। तो दोस्तों इस अपडेट में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सके और आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके।